हर हर महादेव करके हम राम घाट की तरफ जा रहे हैं भाई लोग, और दर्शन तो मजा आ रही है, खूब मजा आ रही है उज्जैन में, मजा आ रही है भाई को, तो क्या मजा आ रहा है उज्जैन में। फोटो खींच लेना ना, टेंशन को ले रहो थोड़ा, आगे रोकना ना, वीडियो भी बन जाएगी मेरी क्या। हाँ तो ये जल स्तर है, देख सकते हो पूरा घाट डूबा हुआ है। हाँ रोक लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो देख सकते हो ऐसा स्तर है। हाँ साइड में रोक। तो पानी का जल स्तर देख सकते हो, बाबा की सवारी निकलने वाली। आज दूसरा नगर भ्रमण है बाबा वंतिकानाथ का और पानी का, और भाई लोग भी आए मिलने मुझसे, और इस तरीके का देख सकते हो पूरा भरा हुआ है, जो कि यहाँ से दर्शन करते हैं भक्त लोग। और मैं आपको भी दिखा रहता हूँ, ये लोग आए और फोटो भी लेंगे, फिर बाबा की सवारी देखने जाएंगे। तो बाबा का साई इतना वहाँ होता है, देख सकते हो कितना पानी भरा हुआ है आज इस तरीके से। तो गोपाल मंदिर और उज्जैन का प्रसिद्ध मंदिर देख सकते हो, वहाँ बैठे अपने द्वारका देव। तो गोपाल मंदिर के तरफ देख सकते हो पूरा बैरी गेट वगैरह लगा हुआ है, इस तरीके का बैरी गेट लगा हुआ है।
वगैरह भी लिए हैं और हार वगैरह भी लिया भाई ने अपने, देख सकते हो शहर में अपने। भैया देखो पेमेंट कर रहा है, इधर देखो भैया स्माइल। तो ये भाई लोग डिस्कस कर रहे हैं देख सकते हो, और तो हम महाकाल की पालकी का वेट कर रहे हैं, इतने टाइम से इंतजार कर रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। और अपने भाई लोग ना जाने क्या गोठिया रही हैं, तो क्या गोठिया हूँ आपको, जय श्री महाकाल। हमारे भाई लोग बाबा महाकाल के दर्शन के लिए खड़े हुए हैं और रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं भाई लोग देख सकते हो। भैया कहाँ से आए हो बताओ? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से ही निवास करता हूँ और रायपुर छत्तीसगढ़ में महाकाल का दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो अपने भैया पर जानते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। तो अपने भाई क्या है, बहुत ज़्यादा जिगरी है समझो तो, और अपने मकान मालिक भी है ना, मकान मालिक भी, तो ये भी दर्शन करने आए हैं और बाबा के लिए खड़े हैं। तो बाबा के दर्शन होंगे और यहाँ से फिर प्रस्थान करेंगे घर की तरफ। तो अपने भैया भी आए राजस्थान से, श्री महाकाल, और भाई लोग बहुत सारे आए हैं देख सकते हो आप, और ये फूल वगैरह लेके खड़े हैं हम। जय श्री महाकाल। आप देखते रहे, लो बोलो जय श्री महाकाल। नहीं सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है मुझे, बाबा महाकाल की कृपा से बहुत सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे भी बहुत फेम है। तो आप ये भाई लोग आए, भाई साहब अपने कहाँ से आए हो बता दीजिए। अजमेर से है ना, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने बाबा के, और हम भी खड़े हैं इस तरीके से, और भाई लोग भी खड़े हैं, भाई साहब वगैरह अपने, और अपने भैया भी खड़े हैं देख सकते हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता। भाई लोगों ने बनाई है तो ये पालकी आई है नॉर्मल, जो भव्य तरीके से बनाई गई है ना देख सकते हो। धर्म प्रेमी जनता का अभिनंदन स्वीकार करने के लिए, प्रजावासियों का हाल चाल जानने के लिए, प्रजावासियों को आशीर्वाद देने के लिए, समय समय पर भगवान देख लेना क्या हो जाए, तो आ जाना रे।
प्रसाद ले लियो, प्रसाद खा रहे हैं हम। यहाँ भी देखो, जय जय महाकाल, महाकाल जी का प्रसाद प्राप्त हो गया हमें। अब हम चलते हैं राम घाट की ओर, जो महाकाल का दिव्य दर्शन कर प्राप्त करेंगे। एक बार तो जय महाकाल, एक बार करेंगे, एक बार दर्शन प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन हमें दोबारा और दर्शन प्राप्त करना है, क्योंकि हम रायपुर से आए हैं, दोबारा नहीं मौका मिलेगा। कल किसने देखा है? किसने देखा है? आज देखेंगे महाकाल को। हाँ मेरी जान। तो ये रंगोली बनाई जा रही है, देख सकते हो आप। चंद्रमौलेश्वर के दर्शन करने बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रही है, ऊपर आ रही है। खाली तो बाबा के दर्शन कर सकते हो आप चंद्रमौलेश्वर, क्योंकि हाथी पे सवार अपने भक्तों के बीच में दर्शन करने। ऐसे ही मेरी भक्त हूँ तो मुझे भी दर्शन देना आए बाबा। तो इतने भीड़ देख सकते हो, यहाँ मोबाइल चोरी वाला भी पकड़ा गया है, पकड़ के ले जा रहा है उसको। तो अब आ चुका हूँ मैं रामघाट पे, और रामघाट पे भी देख सकते हो इतनी भीड़ है यहाँ पर बाबा का। यहाँ पर बाबा की पूजा अर्चना होती है, और देख सकते हो पानी भरा हुआ रामघाट का पूरा, क्योंकि पूरा मर चुका है। और रामघाट पर खड़ा हूँ मैं, रामघाट पर देख सकते हो पूरा पानी भरा हुआ है, और बाबा की जैसे पूजा अर्चना हुई है यहाँ पर।
जय श्री महाकाल। दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग आपको? तो महाकाल के दर्शन हो चुके हैं क्योंकि देख सकते हो सवारी का आनंद लिया मैंने, और मेरे दोस्तों लोग भी थे बहुत सारे और फ्रेंड्स लोग भी मिले थे। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग जरूर बताना कमेंट करके, और जय श्री महाकाल जरूर लिखना शहर में।